शाहजहांपुर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक अंतरजातीय साइबर ठग गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस को यह कामयाबी सदर बाजार थाना क्षेत्र के खिरनी बाग के पास मिली, जहां धर्मशाला में अचानक छापेमारी के दौरान बिहार के जालसाजों समेत 5 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। ये एक इंटरस्टेट साइबर फ्रॉडस्टर्स का गैंग है जो बस्ट हुआ है आज। इसपे एक सूचना ये मिली थी थाने रामचंद मिशन और थाना कोतवाली को कि उन जो विक्टिम्स थे उन्होंने जाके ये रिपोर्ट किया कि साहब हमारे अकाउंट खोले गए, ये वहाँ 5 लोग आए थे और जिन्होंने ये बताया कि आपको लोन मिलेगा और लोन के साथ में 5,000 रुपये भी मिलेंगे और इस पर आपके KYC वगैरह कंप्लायंस करा के अकाउंट खोल लीजिए और उसका जो किट है वो लेके चले गए। किट भी मुझे नहीं मिला और उसके बाद पता लगा कि मेरे अकाउंट में काफ़ी बड़ी अमाउंट वहाँ अकाउंट में आ गए। मुझे डाउट है कि ये कोई फ्रॉड का मामला है और इसकी सूचना हम दे रहे हैं। तो इस सूचना को विकसित करते हुए और इस FIR की तफ्तीश करते हुए इंस्पेक्टर साइबर सेल जो है नीरज, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया और इसमें CO सिटी और SP सिटी साहब ने बहुत क्लोजली इसको सुपरवाइज किया और इसके आधार पे आज ये 5 फ्रॉडस्टर्स पकड़े गए। शातिर ठगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया ये ठग गिरोह पूरे देश भर में लोगों से फोन पर इंटरनेट के जरिए उनके अकाउंट से पैसे निकालते थे। पकड़े गए ये अपराधी इतने शातिर हैं कि ठगी करते ही पीड़ित के खाते से प्राप्त पैसे को अलग अलग बैंकों के खातों में ट्रांसफर कर देते थे। दो लोग जो सचिन और गौतम हैं, ये दोनों नालंदा जिले के हैं, बिहार के, और इसके अलावा 3 व्यक्ति पसगवा थाना क्षेत्र के हैं, जनपद खीरी के, जिनके नाम बैलिस्टर, पवन और राजेश हैं। बैलिस्टर से पूछताछ में इसने बताया कि साहब ये सारे अकाउंट्स यहाँ के मैनेज करता था और ये सारे अकाउंट्स के जो बाकी जो किट वगैरह है ये वहाँ बिहार में देता था और बिहार में इनके अपलिंक्स और हैं जिनके बारे में छानबीन की जा रही है और कार्रवाई होगी। ये इनका मॉडल सप्रेंडा ये है कि इस तरह से ये जब अकाउंट खुलवा लेते हैं इसके बाद फिर उसके सारे किट्स अपने पास रख लेते हैं, इसका ATM भी उन्हीं के पास रहता है और वहाँ से वो रिमोटली इनको हैंडल करते हैं। जिनके पैसे ये फ्रॉड के ज़रिए वहाँ से उनके अकाउंट से निकालते हैं उनको इन अकाउंट्स में डालते हैं सो दैट किसी को उन पर शक ना हो और उसके बाद फिर रिमोटली इस अकाउंट से पैसे भी। बिहार के नालंदा के रहने वाले अरविंद और विकास ने बैंक अकाउंट का इंतजाम करने का काम सचिन और गौतम को दिया था जो कि वहाँ से यहाँ खातों का इंतजाम करने आते थे। यहाँ उनका संपर्क बैलिस्टर, राजेश और पवन मिश्रा से था जो शाहजहांपुर, लखनऊ और खीरी समेत कई जिलों में भोले भाले लोगों से बैंक के बाहर मिलते थे और उन्हें लोन देने के नाम पर उनके नाम पर नया बैंक अकाउंट खुलवा देते थे और उन्हीं अकाउंटों के जरिए फ्रॉड का पैसा निकालते थे। पुलिस के मुताबिक अभी तक इनसे 40 बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिली है जिसके जरिए 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो चुका है। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से फिलहाल पुलिस ने 10 ATM, 4 पासबुक, चेकबुक, खातों के वितरण, जाली आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। अब तक जो इनसे पूछताछ हुई है और इनके पास जितने मटेरियल मिले हैं इसके आधार पर करीब 40 अकाउंट्स का जानकारी मिली है जिनमें से कुल मिला के केवल जुलाई महीने में करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये जो अकाउंट होल्ड किए गए थे वादी द्वारा ही खुद ही इस डाउट पे खुद उसके अकाउंट में करीब 10 लाख रुपए से ऊपर पड़े हुए हैं जो इनके नहीं हैं। तो ये भी किसी विक्टिम का ही पैसा है जो इनके अकाउंट में आके स्टैश हुआ है। तो इसको बहुत प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इनके कब्जे से करीब 10 ATM कार्ड्स बरामद हुए हैं, पैन कार्ड्स बरामद हुए हैं और इसके अलावा 2 जाली आधार कार्ड भी बरामद है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि इनके आधार कार्ड्स ये ले लेते हैं और उसके बाद उसको एडिट करके और उसमें इन्हीं नाम पतों पर कुछ और जगहों पर अकाउंट्स भी है खुलवाते। बहरहाल पुलिस को अभी इन अभियुक्तों से और भी सबूत मिलने की उम्मीद है। अभी और बैंक अकाउंट मिलने की संभावना है, इसमें और अधिक पैसों के लेन देन की जानकारी हो सकती है। पुलिस लगातार उनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पंजाब केसरी के लिए शाहजहांपुर से नंदलाला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।